ललितपुर जनपद में झूठे हर्जोनेट का गलत दुरुपयोग हो रहा है, खासकर गरीब लोगों के खिलाफ में। पीड़ित की जमीन पर जबरन कब्जा किया दलित वर्ग के दबंग लोगों के द्वारा अधिकतर झूठे SC ST एक्ट का जमीनी मामलों में निर्दोष लोगों पर आरोप लगाया जाता है। पीड़ित जिलाधिकारी के पास कई शिकायती पत्र भी दे चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ललितपुर से नयन भारत के लिए प्रमोद बबेले की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? मेरा नाम राम कुमार तिवारी है। मेरा बच्चा जेल के बगल में एक फ्लैट पड़ा हुआ है, और मैं जब भी कब्जा करने जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ अहरवार कर तत्व के लोग परेशान कर रहे हैं और गुंडागर्दी करते हैं और गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं। जब भी आते हैं तो वो पैसों की मांग करते हैं, नहीं तो कहते हैं हम हर्जन एक्ट लगवा देंगे। और मैं अभी अपने प्लाट पर बोरिंग करवाने भी गया तो उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और मुझ पर उल्टी सीधी धाराओं को लगवा दी। तो ये हाल है, कुल मिला के अपने प्लाट पर भी मैं कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ। कब आपने प्लाट वह खरीदा हुआ था? कौन वह लोग हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं? नारा अहरवार और भगत अहरवार करके हैं, जिनकी माँ का नाम लाल कुंवर है। ये तीनों लोग आते हैं, तीनों लोग परेशान करते हैं। और लाल कुंवर महिला है, परेशान करती हैं। कुल मिला के ये कि मैं हर जगह एप्लीकेशन दे सका हूँ, मुख्यमंत्री को भी दे चुका हूँ, यहाँ उपाध्याय जी थे SDM साहब उनको भी दिया था मैंने, काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ। मेरी कहीं जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब थकार के बैठे हूँ, फिर से दोबारा। किस प्रकार का परेशान करते हैं प्लाट को लेकर? पैसे की मांग करते हैं, पैसे दीजिए नहीं तो हम तुम्हारे प्लाट पर कब्जा कर लेंगे। वो कब्जा कर भी लिया उनने अपने वो प्लाट पर, उन्होंने टपरा एक डब्बा रख लिया, उसके चारों तरफ एक टपरा डाल लिया है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे कार्रवाई तो कल दिन वो पक्का भी भरमा सकते हैं। पैसों की डिमांड करते हैं, और इसके अलावा काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, उसमें काफ़ी लोगों के आए फोन कि हम निपटवा देंगे, लेकिन मुझे किसी पे आशा नहीं है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और गुंडा टैक्स की वसूली कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि पैसे की मांग करते हैं, नहीं तो हम तुम पे हर्जन एक्ट लगवा देंगे, नहीं तो जाति सुधार शब्दों का मतलब ये हाल है, परेशान कर हर जगह से। अभी आप कहाँ आए? अभी हम DM यहाँ पे खड़े हैं ऑफिस में, सोच रहे हैं DM साहब से।